मैदे को ले लेना, मैदे का डो को, और इसको इसकी रोटी बना लेनी है। रोटी मोटी ही होनी चाहिए, ज्यादा मोटी भी नहीं, ज्यादा पतली भी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी स्टाइल। चलिए मैं आज आप सभी को बहुत ही इजी वे पे मेरे स्टाइल में नमक पारी बनाना सिखाऊंगी। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, यहाँ पर 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 1 कप मैंने गुनगुना पानी लिया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें मैं मैदों को डाल दूँगी, और मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छे से गूंद लेना है। यहाँ पर आपको कुकिंग ऑयल 3 टीस्पून डालना है, तरह गुथा हुआ हो जाए तो अजवाइन को डाल देना है। अजवाइन को डाल दिया मैंने, अब इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं। ये अच्छे तरह से गुथा हुआ हो गया। बीस मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देना है। अगर आप ज्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो आप 1 घंटा तक छोड़ सकते हैं फ्रिज में, उससे जो नमक पारे हैं वो ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। जो मेरा गुथा हुआ आटा है इसको मैं 20 मिनट के ढक के छोड़ देती हूँ। हो चुका है मेरा, मैं इसको निकाल लूंगी, और देख सकते हो ये सेट हो चुका है मेरा मैदा। इसको अच्छे से मैंने डो को अच्छे से मसल दिया है, छोटा छोटा पीसेस में इसको मैं बांट लेती हूँ। आपको मैदे को ले लेना, मैदे का डो को, और इसको इसकी रोटी बना लेनी है। रोटी मोटी ही होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी रोटी बन गई है। आपको रोटी जो है ज़्यादा पतली और मोटी भी नहीं रखनी है। तो इसको कट कर लेते हैं, एक नाइफ लेना है कोई सा भी, और इसको इस तरह से कट कर लेना है, पट्टी पट्टी टाइप में इसको कट कर लेना है। पर 1 लीटर ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल है, और तो ऑयल को ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा, कम हीट में इसको डालना पड़ेगा नमक पारियों को। सारे नमक पारे को इस तरह से डाल देना है, और यहाँ चिपके ना इस तरह से इसको भून देना है, और इसको मीडियम फ्लेम में चलाते रहना है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही ब्राउन करना पड़ेगा, तो ये ऑलमोस्ट मेरे जो नमक पारे हैं वो ब्राउन होने लगा है। मेरे नमक पारे ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसको अब निकाल लूँगी। इसको निकाल लिया मैंने, नमक पारे को निकाल लिया। मैं आपको दिखा सकती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशी बांटें।